लो जी, आज हम बना रहे हैं कोफ्ते की सब्जी। यानी कि कोफ्ते जो होते हैं ना, घी के कोफ्ते बनाएंगे, जिसमें कि अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर, धनिया और फुल स्कोप यानी कि बड़े वाला बेसन लगेगा। ये देखिए, अब हम इसे कद्दूकस कर रहे हैं घी को। बस क्यों कर रहे हैं, वीडियो बन रही है और बनाएंगे हम। ये देखिए हमारी मैडम, करो करो बेटा। कौन है तोड़ दी मेरा? अदरक लहसुन प्याज को। ये देखिए हमारा आ गया कद्दू का सो चुका है और ये बेसन तैयार है। थोड़ा सा घी अपना बनाना। ठीक है। अच्छा, ये नमक, कौन से कलर की है? लाल वाली। अजवाइन। सब बेकिंग पाउडर। अब ये हमारा धनिया कटा हुआ जो यूज कर रहे हैं हम। किए को जो हमने कद्दूकस किया। ठीक है, अब इसको मल्ट करना। मैश। कितनी देर तक करना? 2-3 मिनट में हो जाएगा। पानी नहीं, जब पानी की जरूरत पड़े फिर डालना। ठीक है। जब नहीं जरूरत पड़े फिर नहीं डालना। ठीक है। अब कढ़ाई रखेंगे, तेल डालना। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल तड़का नहीं लग रहा, इसमें बनेंगे कोफ्ते। जब जब गर्म हो जाएगा फिर हम करेंगे इसको फ्राई। तेल गर्म हो चुका है और यहाँ रेडी हो रहे हैं कोफ्ते। फिर से लड्डू की तरह बना रहे हैं ना, और पकौड़े को तरह तलेंगे। जब तक इनका कलर नहीं चेंज होएगा तब तक तलते रहना। वाह, अब आवाज़ें आ रही हैं, कलर भी जल्दी से चेंज हो रहा है। तेल ज़्यादा गर्म हो गया ना, जल्दी गर्म हो गया तेल। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा अच्छी तरह से तो इसको बाहर निकाल लेना है ना। ये देखिए बनकर रेडी हो चुके हैं। ये रह गया, इसको होने दो। अब अभी तो हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं, हम बनाएंगे अब इनों की, इसकी ही सब्जी बनाएंगे हम, कोफ्तों की सब्जी। ये देखिए जो हमने चिली कटर किया था मशीन में, मसाला हमारा तड़के के लिए रेडी हो चुका है। अब जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम फिर क्या डालेंगे? कोफ्ते, कोफ्ते टमाटर और धनिया डाल देंगे। हल्दी, ओके, तड़के के लिए फिर से मिर्च, घी मिर्च, इसको मिक्स कर दूं। ये आप ही करो, मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। थोड़ा सा पानी। अच्छा, अच्छे से मल्ट हो जान, मैश हो जान। 2-3 मिनट अच्छे से पकने दें। ओके, पानी हमने डाल दिया।
ये पानी इतना अलग तरह का क्यों था, बताएं लोगों को। अच्छा अच्छा, जिसमें बेसन में मल्ट गया था ना, मैश गया था, उसी में हमने पानी डाल दिया और इसी वही पानी हमने बीच में डाल दिया। जब ये अच्छी तरह से गड़क जाएंगे, पक जा मकई तरी बन जाएगी, संगनी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी 10-15 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह से गड़क चुका है हमारा, जो हमने पानी डाला था मसाले में। लास्ट धनिया, अब और 2 मिनट गड़काना है इसे, है ना, थोड़ा सा धनिया। जैसे गड़केगा 2 मिनट, समझ लेना कि बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे कोफ्ते, तरी वाले और सूखे भी बीच में बता दिए हमने। और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर क्लिक कर लें, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, और जो अपने देख रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर करें, और जिस जिनके मुंह में पानी आ गया वो कमेंट ज़रूर करें, नहीं आया तो फिर तब भी कमेंट कर दें।